नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यन्दु मंडल। मेरा यूट्यूब चैनल सिर्फ स्टॉक ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। मैंने कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक मार्केट रिलेटेड अपडेट करूँगा जो आप लोगों को बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो वीडियो आप लोग अंत तक जरूर देखिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसका नोटिफिकेशन आप लोग को रेगुलर बेसिस पर मिल जाएगा। मैंने पहले जो दिखाऊँगा ये है कि रिलायंस खरीदा टिकटॉक इंडिया को, इंस्टाग्राम रील्स क्या होगा, ठीक है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग जरूर देखिएगा। इसके बाद एक्सेल शीट से कुछ न्यूज़ है और उसका लिंक आप लोगों को दिखाऊंगा, और ये लिंक आप लोगों को यूट्यूब वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लस मैंने इधर से स्क्रॉल करके आप लोगों को दिखाऊंगा एक एक खोल के, ठीक है। तो वीडियो आप लोग अंत तक जरूर देखिए और इसको सब्सक्राइब करके रखिए ताकि इसका नोटिफिकेशन आप लोग को रेगुलर बेसिस पर मिल जाएगा। इसके अलावा मैंने स्टॉक मार्केट रिलेटेड मैंने निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस रेगुलर बेसिस पे करता हूँ, वो भी आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। और इसके अलावा मैंने बाइंग सेलिंग लेवल्स ऑफ इक्विटी कमोडिटी निफ्टी बैंक निफ्टी फ्यूचर्स दिखाता हूँ, वो भी आप लोगों को रेगुलर बेसिस पे देखने के लिए मिल जाएगा, नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मैंने ट्रेडिंग स्ट्रेटजी लाइव मार्केट दिखाता हूँ, वो भी आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत सारे चार्ट का स्ट्रेटजीज है जो आप लोगों को बहुत डायरेक्ट रूप से प्रॉफिट दे सकता है, और वो भी आप लोग जरूर देख लेना। और स्टॉक मार्केट पर काम करने के लिए कुछ नॉलेज का जरूरत होता है, कुछ स्ट्रैटेजी टेक्निक्स का जरूरत होता है, उसके ऊपर बहुत सारा वीडियोस बना हुआ है, वो आप लोग जरूर देखिए। मेरा यूट्यूब वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर देखिए, उसमें आप लोगों को बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ का लिंक दिया हुआ मिल जाएगा, तो आप लोग देख सकता है। आप लोग मेरा यूट्यूब वीडियो का चैनल पेज में आके भी सर्च कर सकता है, आप लोग जो ढूंढ रहा है वो मिलेगा तो आप लोग को मिल जाएगा। और मेरा ट्रेनिंग मॉडल भी देख सकता है यूट्यूब वीडियो का डिस्क्रिप्शन में, उसमें बहुत कम कॉस्ट में बहुत सारा चीज़ आप लोगों को सिखाया जाएगा। और एंजल बुकिंग ऑफ 30 डेलीस वो आप स्टॉक्स में ज्वाइन होने का लिंक भी मिल जाएगा, जिससे आप लोग लिंक ज्वाइन होने का आप लोगों को मेरी तरफ से प्रिविलेज मिलेगा। और डिस्ट्रक्ट फाइनेंशियल सोल्यूशन एक रिसर्च फॉर्म है, उसमें आप लोग को ज्वाइन होना चाहता है तो आप लोग को ज्वाइन हो सकता है। और उसमें आप लोग को पहले ब्रांडेड ब्रोकरशिप के अंडर डीमैट अकाउंट ओपन करवा जाएगा, उसमें से फ्री टिप्स मिल जाएगा जो आप लोग को बहुत ही बेनिफिशियल होगा। तो देखिए ये क्या न्यूज़ है, रिलायंस खरीदा टिकटॉक इंडिया को, इंस्टाग्राम रील्स क्या होगा, ठीक है। जवाब देने से पहले मैंने एक सवाल पूछना आपसे कि आपको क्या लगता है टिकटॉक को इंडिया में यूएस में बैन करने के पीछे क्या रीज़न था, क्या सच में टिकटॉक के जरिए चाइनीज गवर्नमेंट हमारा यूजर डाटा ले रहा था, और अगर यूजर डाटा ही मेन इशू है तो गूगल फेसबुक ये इंस्टाग्राम या ट्विटर भी तो किसी से कुछ कम नहीं है। आपको पता ही होगा कि गूगल आपके फ़ोन पे के माइक्रोफोन एक्सेस के जरिए आपका सिलेक्टेड वोकल रिकॉर्डिंग कलेक्ट करता रहता है। ये डाटा कलेक्शन ये के पैरामीटर्स ऐसे थोड़े हैं कि वो इसके जरिए कुछ भी रिकॉर्ड कर सकते हैं और उसको एसेंशियल क्लॉज के अंडर डाल सकता है। और आप मैं और मैं लॉयर सी चीज़ आपने ज़रूर नोटिस की होगी कि अगर आप कुछ भी बात करते हो तो मोबाइल में उसके रिलेटेड डाटा रिलेटेड एड्स आपको फेसबुक और गूगल में आ जाता है इमीडिएटली। ये तस्लीमी करना हमारा डाटा लेने से ही मुमकिन होता है। इसलिए अभी मेरा सवाल आपको ये है कि ऐसा ऐप जो 600 मिलियन डाउनलोड्स के साथ इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ऐप्स में था, उसको बैन करने का रिश्ते में जो खराबी आई है उसी का बदला वर्ल्ड इकोनॉमिक्स ने चाइनीज से लिया है। इस तरीके से उनका मोस्ट प्रॉफिटेबल ऐप को बैन करके और उसको सेल के कगार पे खड़ा करके वीडियो को एंड तक देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। ये पावर प्ले को डायरेक्ट मुनाफा आज नहीं दिखे, लेकिन आप पावर प्ले को समझ लेंगे तो फ्यूचर में आप ऐसे पावर प्ले को खुद समझ के और ज़्यादा सही एनालिसिस और प्रिडिक्शन कर पाओगे। तो एंजल बुकिंग में देखिए आप लोग डीमैट अकाउंट ओपन कर सकता है, बहुत ही बेनिफिशियल है। मेरा यूट्यूब वीडियो का लिंक में आप लोगों को उसका लिंक मिल जाएगा। अच्छा, रिलायंस ने लगाई $5 बिलियन को की बोली, ठीक है। टिकटॉक के ओनर बाइट डांस को
रिलायंस दे सकती है $5 बिलियन का ऑफर। ये बात की कंफर्मेशन अब तक रिलायंस की तरफ नहीं आई है, तो सवाल है कि हम क्या हुआ का हवा में बात कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं, ये न्यूज़ आई है ग्राउंड रिसर्च की तरफ से, जिनका कहना है कि टिकटॉक का मैसिव पॉपुलरिटी और इंडियन गवर्नमेंट की रेगुलेशंस को किनारा करने के लिए बेस्ट ऑप्शन है। रिलायंस के साथ टिकटॉक इंडिया के डील जो के 400 बिलियन यूजर्स को टिकटॉक का एक्सेस मिलने का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी दिख रहा है। फेसबुक ने जियो में 10% स्टेक्स खरीदा था मार्च में, और फेसबुक कौन करता है इंस्टाग्राम को, जिनसे टिकटॉक के बैन होने ही पहले सिक्योरिटी टेस्टिंग किया गया और उसके बाद इसका लॉन्च हुआ। ये टिकटॉक के सौतेले भाई जैसा दिखता है, जिसके उन्हें अलग अलग लेकिन बेसिक डीएनए। आप अगर जियो टिकटॉक को खरीद के कंप्यूटर्स होंगे, इसका मालिक एक होगा, तो क्या टिकटॉक को इंस्टाग्राम रील्स का साथ मेरे कर दिया गया जाएगा, या फिर फाइनली फेसबुक के जरिए ये पूरा मामला सिर्फ टाइम आने से क्लियर होगा। लेकिन एक बात समझ लेना बहुत ज़रूरी है कि टिकटॉक के पीछे बहुत सारे लोग पड़े हैं। माइक्रोसॉफ्ट टिकटॉक को खरीदना चाहता है। डोनाल्ड ट्रंप ने यूएस कंपनीज को डील क्लोज करने के लिए 45 डेज का टाइमलाइन दिया है, जिसके मतलब है कि सितंबर 15 तक ये डील फाइनल होगा। एनालिसिस, आप इस डील से हम क्या एनालिसिस कर सकते हैं। सबसे पहले तो अगर रिलायंस ने ये डील किया, उनके शेयर्स को फायदा होगा, लेकिन कॉम्प्लिकेशन तब आएगी अगर फेसबुक इस डील को से खुश नहीं हुआ तो। अगर कोई भी खतरा फेसबुक के तरफ से आने वाले फंडिंग में आई तो रिलायंस को बहुत बड़ा झटका लगेगा और इसका असर शेयर मार्केट को भी मिलेगा। माइक्रोसॉफ्ट जिस तरीके से पीछे पड़ा है, इसे ऐसा लगता है कि टिकटॉक का यूएस एंड वर्ल्ड बिजनेस फाइनली ला जाएगा, क्योंकि इसके पास रिसोर्सेस एंड फंडिंग ज़्यादा है। लेकिन अगर मुकेश अंबानी टिकटॉक का डील अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो फिर ये इंडियन सॉफ्टवेयर एंड ऐप डेवलपमेंट मार्केट के लिए बहुत बड़ी बात होगी, और इंडिया में ओवरऑल टेक डेव सेक्टर में भी तेजी आएगी। तो सितंबर तक मार्केट पे नज़र लगाए रखें और अगला वीडियो के इंतज़ार कीजिए। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, ये इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, तो ये आप लोग ज़रूर देखिए, और इसमें से आप लोग को इधर से कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो भी आप लोग को दिखाता हूँ। BPCL प्राइवेटाइजेशन, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। BPCL प्राइवेटाइजेशन एक्सपेक्टेड टू कंप्लीट बाय मार्च, मतलब नेक्स्ट मार्च में तक ये BPCL का प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा। ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। BPCL प्राइवेटाइजेशन एक्सपेक्टेड टू कंप्लीट बाय मार्च, मैंने थोड़ा सा स्क्रॉल करके दिखाऊंगा, आप लोग इधर से पॉज करके भी देख सकता है। ठीक है, पूरा वीडियो पॉज करके देख सकता है, इधर से वीडियो से ही आप लोग पूरा न्यूज़ पढ़ ले सकता है, नहीं तो आप लोग मेरा यूट्यूब वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर देखिए, इसमें ये पूरा लिंक आप लोगों को मिल जाएगा। इसका लिंक आप लोग बहुत अच्छी तरह से इधर से देख सकता है, ये आप लोग को देखिए धीरे धीरे स्क्रॉल करके दिखा रहा हूँ, तो ये आप लोग को अच्छी तरह से वीडियो की पॉज करके देख सकता है। अच्छा, इसके बाद सेंसेक्स निफ्टी गेन, स्टॉक साइन स्टाटा स्टील नियरली 4%, आज निफ्टी मेटल बहुत ही हाई था, तो इसका भी आप लोग देख सकते हैं, और टाटा स्टील लॉन्च भी किया है, उसका भी आप लोग को दिखाऊँगा। ये सब चीज़ आप लोग को जानने का बहुत ही ज़रूरी है। स्टॉक मार्केट हाईलाइट्स, ऑटो स्टॉक सप्लाई ब्रेक्स ऑन वीकली गेंस, निफ्टी बिलो 11,200, आईसर मोटो स्टॉक्स लॉसर। ठीक है, तो इधर देखिए, हेयर आर हाईलाइट्स फ्रॉम द मार्केट, सेंसेक्स डाउन बाई इतना, ये सब आप लोग स्क्रॉल करके देख सकते हैं, ये सब बहुत ही ज़रूरी है। तो ये क्या इम्पोर्टेंट हाईलाइट्स है, ये सब आप लोग देख सकता है।
क्या क्या हुआ है मार्केट में, ये सब आप लोग बहुत ही अच्छी तरह से रीड कर सकता है। आने वाले दिन में क्या हो सकता है, इंडियन करेंसी मार्जिनली लोअर ऑन फ्राइडे अगेंस्ट वोलेटाइल इक्विटी मार्केट, द रुपी एंडेड 74.90 अगेंस्ट यूएस डॉलर एज कम्पेयर टू थर्सडे 74.84। तो थोड़ा सा इसका डॉलर का प्राइस थोड़ा सा बढ़ गया है, रूबी का थोड़ा सा घाटा हुआ है। कोविड केसेज जे एस डब्ल्यू स्टील बल्लारी कैंपस नियर 1000 मार्क, एक्टिव केसेस एट 97। ठीक है, ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, ये आप लोग ये सब लिंक से आप लोग देख सकते हैं, नहीं तो इसको धीरे धीरे स्क्रॉल करके आप लोग पढ़ सकते हैं। अच्छा, इसके बाद जो है व्हाट शुड इन्वेस्टर डू विथ आइसर मोटर्स क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर वन, आइसर मोटर्स का क्या होगा, इसका तो बाई करेंगे, होल्ड करेंगे और क्या करेंगे, ये आप लोग को मदद करेगा ये डिसीजन लेने के लिए। ये मनी कंट्रोल का न्यूज़ है, इधर एक्सपर्ट्स ओपिनियन देता है, इसमें से आप लोग भी खुद एनालिसिस कर सकता है। डिक्लाइन सिग्निफिकेंटली कंसीडर, रेवेन्यू डिक्लाइन हो गया है। ठीक है, इसका रेवेन्यू परसेंटेज बहुत ही डिक्लाइन हो गया है, 65% के ऊपर, 65.6%। तो इसको क्या हो सकता है, अच्छा फंडामेंटल वाला जो स्टॉक्स है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, अच्छा फंडामेंटल वाला जो स्टॉक्स है उसको होल्ड करके चलना ही अल्टीमेटली, लेकिन फंडामेंटल स्ट्रांग होना चाहिए। सेल्फ अंडर परफॉर्म टारगेट का 19,500 शेयर। ठीक है, मॉर्गन स्टैनली क्या बोल रहा है, ओवरवेट टारगेट 21,073। मोतीलाल ओसवाल बोल रहा है बाई करने के लिए, टारगेट इतना बोल रहा है। ठीक है, प्रोहरा लीलाधर, ये सब आप लोग देख सकते हैं, धीरे धीरे पढ़ सकता है, ये वीडियो से भी पढ़ सकता है, लिंक से भी पढ़ सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। अच्छा, टाटा स्टील क्वार्टर नेजल नेट लॉस। ठीक है, स्टील का डिमांड आप लोग सोच सकता है कि कम हो गया, टाटा स्टील का लॉस आने वाला ही था, एक्सपेक्टेड है, लेकिन फिर भी मेटल सेक्टर इम्प्रूव हुआ है, टाटा स्टील भी 4% हाइक हुआ है, जिंदल स्टील भी ऊपर गया है। टाटा स्टील क्वार्टर वन रिजल्ट्स नेट लॉस डिपेंड्स ऑन फोर्स डिपेंड्स टू 46019 करोड़, मिसेस स्ट्रीट एस्टिमेट्स। ठीक है, ये भी एक न्यूज़ है, और आप लोग किसी का किसी निर्णय के लिए आप लोग खुद डिसीजन लेंगे, और आप लोग फिनेंशियल कंसल्टेंट का परामर्श जरूर ले लेंगे, लेकिन मेरा जो पर्सनल ओपिनियन होता है कि वर्ल्ड का जो फंडामेंटली स्ट्रांग है, लेकिन फंडामेंटली स्ट्रांग होना है कि वो आप लोग को जांच लेना, बहुत ही बहुत सारा चीज़ होता है, उसका वर्क फोर्स का क्वालिटी, उसका मैनेजमेंट का क्वालिटी, उसका पास्ट परफॉर्मेंस, उसका सेल्स ग्रोथ, ये सब देखना बहुत सारा चीज़ होता है। मेरा हाउ टू सिलेक्ट स्टॉक्स फॉर लॉन्ग टर्म, ये सब वीडियोस आप लोग देख सकते हैं, बहुत सारा चीज़ मेरा है स्टॉक्स चुनने का, लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करने का, तो वो भी आप लोग ढूंढ सकता है, उधर से आप लोग को मिल जाएगा। एनीवे, इसके बाद बाई टाटा पावर टारगेट, ये मोतीलाल ओसवाल बोल रहा है, तो इसको देखते हैं टाटा पावर का क्यों बाई करने के लिए बोल रहा है, उसका पीछे रीजन क्या है। ये मनी कंट्रोल का न्यूज़ है। ठीक है, ये देखिए, ये भी आप लोग स्क्रॉल करके करके देख सकता है। ये भी आप लोग स्क्रॉल करके देख सकता है, मतलब इधर से भी देख सकता है, आप लिंक से भी देख सकता है, जो लिंक दिया गया है। इसके बाद एडवांस इंजन स्टैंडर्ड ऑन जून क्वार्टर सेल्स इतना, तो इसको आप लोग देख सकते हैं मनी कंट्रोल का, इससे एडवांस इंजन स्टैंडर्ड ऑन जून नेट सेल्स है। तो ठीक है,
इसका आप लोग देख सकता है, इसमें पूरा प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट दिया हुआ है। इधर आप लोग वीडियो थोड़ा सा धीरे धीरे पॉज करके करके देख सकता है, और यह आप लोग लिंक से भी पढ़ सकता है। और इधर स्टॉक्स इन न्यूज़ ये भी देखता है, स्टॉक्स इन द न्यूज, टाटा स्टील, सी एम इंडिया, वेदांतो, बी पी सी एल। देखिए ये तीनों ही मेटल सेक्टर के अंदर है, बी पी सी एल, स्पाइस जेट, सीरम ट्रांसपोर्ट फिनांस, बैंक ऑफ इंडिया, ट्रेंड। ठीक है, ये सब आप लोग देख सकते हैं इधर से, इसका मनी कंड इधर से ये आप लोग स्क्रॉल करके देख सकते हैं। इसका लिंक आप लोगों को दिया जाएगा, आप लोग पूरा देख सकते हैं इसका। इधर से शायद ये पूरा न्यूज मिल सकता है, एक एक करके, नहीं इधर नहीं, इससे आप लोग को उधर से ही दिख जाएगा। ठीक है, इसके बाद मेरा लिंक दे दूंगा, उसमें आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम नहीं आए। रिलायंस ना, ये तो मैंने दे दिया है, ये स्क्रिप्ट तो आप लोग को पढ़ के सुना है, तो अभी इधर क्या बोल रहा है इसका भी एक बार देख लेता है। रिलायंस जो टिकटॉक लेने वाला है, रिलायंस लाइकली टू एक्वायर टिकटॉक इन इंडिया फॉर $5 बिलियन। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये नॉट ओनली देखिए हम लोग का जो सिक्योरिटी है, हम लोग का जो पर्सनल डाटा है, इसे आप लोगों को विस्तार से मैंने समझाया। ये जो सोच लीजिए आप लोग कुछ कुछ ढूंढ रहा है गूगल सर्च में, गूगल सर्च कर रहा है तो आप लोग देख सकते हो फेसबुक फेसबुक में वो आप लोग को सामने आ जाता है, या यूट्यूब वीडियो पे वो टॉपिक आप कैसे आ जाता है, ये सब हम लोगों को पास से डाटा मतलब जाता है, इंस्टाग्राम में वो सब आ जाता है। तो ये सब चीज़ जानने का आप लोगों को बहुत ही ज़रूरी है। तो ऐसे ही ये सब जो सोशल मीडिया साइट्स हैं, ऐसे ही इसका मतलब बिजनेस चल रहा है। सर्च लीजिए आप लोग कुछ गूगल में सर्च कर रहा है तो आप लोग देख सकते हैं कि उसका फेसबुक पे इसमें उसका आ जाता है, या सामने आपको सामने आ जाता है। तो ये सब आप लोग को जानना बहुत ही ज़रूरी है। अच्छा, हीरो मोटोकॉर्प गॉट अ नेट प्रॉफिट चैलेंजेस 95% टू, मतलब इसका रेवेन्यू चला गया, हीरो मोटो का रेवेन्यू में बड़ा गिरावट आया है, ऑलमोस्ट 95% का गिरावट आया है रेवेन्यू में। तो इसका भी एक बहुत बड़ा न्यूज़ है, अभी ऐसा होगा ये आप लोग को देख सकता है। लाइकली टू कंटिन्यू जून 2020 आफ्टर 2021, ये कोविड वायरस का इफेक्ट आप लोगों को अच्छी तरह से मालूम आएगा, क्योंकि मतलब इफेक्ट आप लोगों को दिख जाएगा, क्योंकि इसके टाइम अभी कुछ मार्केट में जो आता है ये न्यूज़ के वजह से होता है, लेकिन मार्केट में जो उसके बाद धीरे धीरे कंपनी का जो मतलब बिजनेस चलेगा, तो इसका अनएम्प्लॉयमेंट का वजह से या वर्कफोर्स हटाई करने वर्कफोर्स में प्रॉब्लम आएगा, तो इसके बाद इसका सेल्स में रेवेन्यू में प्रॉब्लम आएगा, तो आप लोग को इसके प्रॉफिट में और अल्टीमेटली ये मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट आएगा। तो दोस्तों ये अभी तक दिखा दिया, धन्यवाद। इसका आप लोग ज़रूर इसका अच्छी तरह से देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, धन्यवाद।